ये मंदिर तो सुंदर है अहाब। एक सुंदर रानी के लिए एक सुंदर मंदिर। मेरी आशा है कि अब तुम्हें तुम्हारे घर फिनिशिया की याद नहीं आएगी। यहाँ तुम बाल ईश्वर की आराधना कर सकती हो जब तुम चाहोगी, और शायद तुम अपने नए घर को अपना लो मेरे साथ यहाँ इसराइल में। क्या बाल की आराधना मैं अकेले करूँगी अहाब? क्योंकि मैं ऊब चुकी हूँ तुम्हारे लोगों की बातें सुनकर केवल एक ही सच्चे परमेश्वर के बारे में। तुम्हारे परमेश्वर की आराधना पूरे इसराइल में की जा रही है मेरी रानी। राजा अहाब! किसकी जरूरत है कि इसराइल के राजा से ऐसे बात करे? ये एलिया है, प्रभु के नबी। तूने प्रभु की दृष्टि में दुष्टता की है। तुमने बाल के लिए, जो एक झूठा ईश्वर है, मंदिर और वेदी बनाई, और तुम्हारे पहले जितने भी राजा हुए उनसे अधिक बुरा करके इसराइल के परमेश्वर को गुस्सा दिलाया है। नबी, मैं इसराइल के परमेश्वर का, जीवित परमेश्वर का सेवक हूँ, और उसके नाम में कहता हूँ कि मेरे वचन के बगैर बारिश नहीं होगी। इतना ही नहीं, जमीन पर ओस भी नहीं पड़ेगी। मुझे बारिश के लिए तुम्हारे परमेश्वर की जरूरत नहीं है नबी। क्या तुम्हें लगता है कि वो बाल का सामना कर पाएगा जो मौसम का ईश्वर है? बलिदान बढ़ाओ जब तक बाल हमारी बारिश की विनती नहीं सुनते, फिर उसे मेरे सामने लाओ जो इस अकाल के लिए जिम्मेदार है। और तुम्हें प्रभु का कोई भी नबी मिले उसे मार डालो। हर जगह तलाश करो पर एलियाह को ढूंढो। ये वचन है सदा सारे जहां के लिए, कहानी है हमेशा जो सच। सुपरबुक होसैना गा होसैना, ये वचन है सुपरबुक होसैना गा होसैना, ये वचन है सुपरबुक। तुम गार्नियल के देवता से आगे नहीं जा सकते क्वांटम। ओ नहीं, ये तो एलेक और उसके छोटे देवता है, वो भारी पड़ रहे हैं। किस, मैं एक फ्लेमिंग बोट देख रहा हूँ। क्रिस, अगर तुम उसे पकड़ पाए तुम आग के देवता बन जाओगे। नहीं, मेरी तबीयत खराब हो रही है। मैं दूसरे डायमेंशन में वोर्टेक्स करने की कोशिश करता हूँ। तुम देवता की बराबरी नहीं कर सकते। अरे यार, मुझे विश्वास नहीं होता हम कितने गरीब थे। मुझे विश्वास नहीं होता मैं फिर से टकरा गया। Hi guys, क्या तुम अभी तक खेल रहे हो? देवताओं का युद्ध। तुम्हें पता है तुम पागल हो गए हो। मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मैं उदास हूँ। तुम पागल नहीं हुए हो, तुम्हारा मतलब तुम पूरी तरह से ठीक हो, जबकि तुम हर पल ये गेम खेलते रहते हो ताकि तुम्हारे दोस्त और तुम्हारा परिवार रियल वर्ल्ड में तुम्हें शायद ही देख सकें। तुम पागल हो गए हो। तुम ये बात नहीं समझोगी जॉय, पर किस समझता है, और हम फिर से जा रहे हैं लेवल 17। हम आ रहे हैं। सुपरबुक नहीं, अभी नहीं, मुझे लेवल 17 पर जाना है। मेरे ख्याल से मैंने दिन भर के लिए साहसी कार्य कर लिया है। मैं तुम्हें ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ जो पूरे राष्ट्र को झूठे देवताओं से फिराकर फिर से सच्चे और जीवित परमेश्वर के पास लाया। लगभग मिल गया। हाँ? मेरे जियो सेंसर्स के मुताबिक हम इसराइल के उत्तरी राज्य में हैं, लगभग ईसा पूर्व 850 साल में, और मेरे थर्मल सेंसर से संकेत मिलता है कि यहाँ 3 वर्षों से बारिश नहीं हुई है। वाओ, बारिश के बिना ये तो बहुत लंबा समय है। ओ, हेलो। हेलो। मैं पकड़ लेता हूँ। मुझे क्षमा कर दो, तुम ठीक तो हो?
तुम उस पेड़ पर क्या कर रहे थे? मुझे विश्वास नहीं होता कि मुझे अंजीर मिल गए इस अकाल के समय में। पर जब मैंने आपकी आवाजें सुनी मुझे लगा कि आप राजा अहाब के लोग। और तुम उनसे डरते क्यों हो? वो और रानी इजेबेल मेरे मालिक को पकड़कर मारना चाहते हैं। क्यों? तुम्हारे मालिक कौन है? वो है एलिया, प्रभु के नबी। और आप लोग कौन हैं मेरे दोस्तों? हाय, मैं हूँ जॉय। मैं हूँ क्रिस। और मैं हूँ गिज़्मो। तो तुम तो भी यहाँ से पहले मिल चुके हो, आओ हमारे साथ चलो। तो हम कहाँ जा रहे हैं? राजा अहाब से मिलने। क्या ये वही व्यक्ति नहीं है जो आपको मारना चाहते हैं? क्या हम उनसे मिलने जा रहे हैं? ठीक है, गलत सवाल। क्यों? मैं उसे चुनौती देने जा रहा हूँ, एक संघर्ष। इज़राइल एक झूठे देवता बाल की आराधना कर रहा है। प्रभु सिद्ध करेंगे कि केवल वही और वही अकेले सच्चे सर्व सामर्थ्यशाली परमेश्वर हैं। अगर वो सर्व सामर्थ्यशाली हैं तो अकाल क्यों नहीं खत्म करते? वो करेंगे। सचमुच? कब? जल्द ही। पर उससे पहले इज़राइल को अपने झूठे देवताओं से मुंह फिराकर सच्चे परमेश्वर को पूजना होगा जिसने सारी दुनिया को बनाया। एलिया, बाल के बारे में बताइए, उनके पास कैसी शक्ति है? शक्ति? हाँ, जैसे कि बारिश बरसाना, बिजली गिराना, समय पर काबू करना और हेल्थ पॉइंट्स बढ़ाना। क्या? वो एक चट्टान लेते हैं, उससे मूर्ति बनाते हैं और उसे ईश्वर कहते हैं। पर वो फिर भी एक पत्थर है जिसे मनुष्य के हाथों ने रचा। मूर्ति का मुंह तो होता है पर वो बोल नहीं सकती, उसकी आंखें देख नहीं सकती। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले भी, उन पर भरोसा करने वाले वैसे ही हो जाएंगे। एलिया! ओ नहीं, मुझे सोचने दो, ये अहाब है ना? इस्राएल के सताने वाले, क्या तू ही है? मैं यहाँ ऐसे ही पीछे आकर छिप जाता हूँ, मेरा मतलब तुम लोगों की रक्षा करूँगा। मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तू ही ने और तेरे पिता के घराने ने दिया है, क्योंकि तुम यहोवा की आज्ञाओं को टालकर बाल देवताओं की उपासना करने लगे। सारे इस्राएल को मेरे पास कार्मेल पर्वत पर इकट्ठा कर ले और बाल के 450 नबियों को जो इजाबेल की मेज पर खाते हैं उन्हें जरूर बुलाना। खेल शुरू। मैंने इतने सारे लोग इससे पहले कभी नहीं देखे। राजा ने आज यहाँ पर इज़राइल की सारी जातियों को क्यों बुलाया है? सुना है कि एलिया जो नबी है उसने हमें बुलाया है। एलिया? वो तो छुपा बैठा है, सालों से किसी ने देखा तक नहीं है। हे यहोवा, मेरी सुन के ये लोग जान लें कि हे यहोवा आप ही परमेश्वर हैं और आप ही उनका मन लौटा लेते हो। रास्ता छोड़ो। मुझे नहीं पता कि एलिया के मन में क्या है, पर मुझे विश्वास है कि तुम चुनौती के लिए तैयार हो। मेरे राजा, हम ना एलिया से डरते हैं ना उसके परमेश्वर से। वाओ, वो क्या है? वो बाल की मूर्ति है। एलिया, अगर वो एक से ज्यादा देवता लाए तो मेरा मतलब वो सब इकट्ठा होकर आपके खिलाफ हो सकते हैं। क्रिस, तुम्हें बस ये देखना है कि तुम प्रभु के साथ हो या नहीं। उनका दल ज्यादा है तो क्या हुआ? आखिर कितनी देर तक तुम दोनों तरफ पांव रखोगे? देखो, क्या वो एलिया है? वो जीवित है?
अगर वो प्रभु हैं, तो उनकी आराधना करो, पर अगर बाल प्रभु है तो उसकी आराधना करो। मैं केवल अकेला प्रभु का नबी बचा हूं, पर देखो तो जरा, बाल के पास 450 नबी हैं। 450 के खिलाफ एक एलिया का जीतना असंभव है। हमारे लिए दो बैल लाओ, बाल के नबी उनमें से एक ले सकते हैं, फिर वो लकड़ियों पर मांस रख सकते हैं, लेकिन आग लगाना मना है। मैं भी दूसरे बैल के साथ वही करूंगा, और अग्नि मैं भी नहीं लगाऊंगा। फिर तुम अपने देवता को पुकारना और मैं अपने प्रभु की प्रार्थना करूंगा। जो परमेश्वर लकड़ियों को आग लगाएगा वही सच्चा परमेश्वर है। बहुत अच्छा सुझाव है, बिल्कुल सही कहा। अग्नि, हाँ, मैं स्वयं अग्नि देवता बन ही सकता था, फिर ये मुकाबला जल्दी खत्म हो जाता। पागलपन। पहले तुम लोग, तुम तो बहुत सारे हो। चित्र जीव की लाइफ स्कैन रीडिंग्स पकड़ सकते हो? मुझे ये रिपोर्ट देते हुए खुशी होती है कि बाल की मूर्ति या वेदी के पास जीवन की कोई निशानी नहीं है। इस पर्वत की चोटी पर हम आपके सामने आते हैं, हे बाल, आप महान हो और हम आपके दीन सेवक हैं। नीचे आओ और बिजली और अग्नि का सामर्थ्य ले आओ, क्योंकि आप सारी चीजों पर काबू रखते हैं और हम आपके दीन। मेरे ख्याल से तो अब तक कुछ हो ही जाना चाहिए था। जोर से प्रार्थना करो, बाल जरूर देवता होगा, शायद वो दिन में सपने देख रहा है, शायद शौचालय में होगा वो, या फिर घूमने गया होगा कहीं, या शायद सो गया होगा, और तुम्हें उसे जगाना होगा। हाँ, या शायद उनकी नेगेटिव एक्सिस में पावर कपलिंग पोलराइज्ड हो गई हो। हाँ, विश्वास रखो, अगर वो एक रोबोट होता उसका कितना अपमान होता। हाँ। ओ। केवल उन्हें आशीष देना जो आपको मानते हैं बाल। हमें आपको देखने दो, हमारे पास नीचे आ जाओ बाल, नीचे आ जाओ। आशा है एलिया को पता है वो क्या कर रहे हैं। दोस्तों, क्या कुछ तो बुरा हो रहा है, उस मूर्ति से एक लाइफ स्कैन रीडिंग आ रही है। ओ नहीं, मेरे ख्याल से बाल जीवित हो रहा है। बाल की मूर्ति से एक लाइफ स्कैन रीडिंग आ रही है। हाँ, और वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तुम्हें पक्का यकीन है? मुझे पता था उनके पक्ष में ज्यादा लोग हैं। मेरी रीडिंग बढ़ रही है और बढ़ रही है, बढ़ती ही जा रही है। कमजोर 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 और चली गई। ठीक है, जाने दो। ए बाल, हमारे बीच आ दो। ए बाल, हमारे बीच आ दो। ए बाल, हमारा
मेरी समझ में नहीं आ रहा, बहुत ही असामान्य है। हाँ ठीक कह रहे हो। कुछ भी नहीं हुआ, एक चिंगारी भी नहीं उड़ी। मेरे पास आओ। चार बड़े बर्तन पानी से भर कर लाओ और पानी को लकड़ी पर और बलि के ऊपर डाल दो। फिर से एक बार ऐसा करो। ये पूरी तरह गीला हो गया है, आग लगने की कोई संभावना नहीं है। अब तीसरी बार करो। हाँ? अगर बाल एक सूखी वेदी को आग नहीं लगा सका तो प्रभु परमेश्वर इस गीली वेदी को कैसे जलाएंगे? वो चीजों को इतना कठिन क्यों बना रहे हैं? उनका ईश्वर तो दिखा भी नहीं, हमें बस थोड़ा सा धुआं चाहिए था और हम जीत जाते। पर नहीं, उन्हें तो सब कुछ पूरा गीला चाहिए था। हे इब्राहिम, इसहाक और इसराइल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट करें कि इसराइल में आप ही परमेश्वर हैं और मैं आपका दास हूँ, और प्रकट करें कि मैंने ये सब काम आपसे वचन पाकर किए हैं। जवाब दीजिए, हे यहोवा मेरी सुनिए, कि ये लोग जान लें कि हे यहोवा आप ही परमेश्वर हैं और आप ही उनका मन लौटा लेते हैं। हट जाओ, मुझे जाने दो। ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? ये अद्भुत है। यहोवा परमेश्वर है, यहोवा परमेश्वर है। यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर अच्छा है, प्रभु परमेश्वर हमें क्षमा करे। परमेश्वर अच्छा है, यहोवा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, प्रभु बहुत अच्छा है, हमें क्षमा करे। प्रभु हमें अपनी शरण मांग लो। वाह, मैं इस पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता अगर ये मेरी नजरों के सामने नहीं हुआ होता। ये तो सुपर बुक है, हम घर जा रहे हैं। हे एलेक। हे क्रिस, हम बैटल वर्स ऑफ गॉड्स टूर्नामेंट आयोजित करने जा रहे हैं जिसमें कोई नियम नहीं है, डरपोकों की कोई जगह नहीं है, और हम चाहते हैं इस बार तुम हमारी टीम में रहो। क्या कहते हो? थैंक्स एलेक, पर मैं ये नहीं कर पाऊंगा। मैं ये काम उस अकेले सच्चे देवता पर सौंपना चाहूंगा कि देवता कैसे बनना है, और मैं केवल ये सोचना चाहूंगा कि उनको फॉलो करूं।
मुझे पता नहीं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, पर अगर तुम्हारा मन बदल जाए तो बता देना। हे, छोड़ो भी, गेज रुक जाओ। क्या कर रहे हो गेज? उसने हॉलो नाइन गेम फेंक दिया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कौन है और इसने असली क्रिस क्वांटम के साथ क्या किया। हे, क्रिस, रुको। गिज़्मो, रुक जाओ। क्रिस, गिज़्मो, बंद कर दो ये। क्रिस, क्या कर रहे हो? और एलिया कार्मेल की चोटी पर चढ़ गया और वो भूमि पर झुक गया और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख। एलिया ने उसे 7 बार जाकर देखने के लिए भेजा। आखिरकार 7वीं बार सेवक ने एक छोटा सा बादल देखा। समुद्र में से मनुष्य के हाथ से एक छोटा सा बादल उठ रहा है। अहाब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, नहीं तो तू वर्षा के कारण रुक जाएगा। जीवन नया करो, जीवन नया।